दोस्तों यूं तो भारत में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। हर महीने कोई ना कोई त्योहार जरूर मनाया जाता है, लेकिन अगर बात दिवाली की करें तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल होता है। दिवाली अपने साथ फेस्टिव सीजन लेकर आती है, यानी त्योहारों का मौसम लेकर आती है, जिसमें कई सारे त्योहार एक साथ होते हैं, जैसे कि धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, दीपावली जैसे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज हम आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दिवाली से ठीक पहले धनतेरस भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग काफी खरीदारी करते हैं। इस बार धनतेरस का त्योहार आने वाला है। शास्त्रों और प्रचलित मान्यताओं को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस दिन कुछ खास चीजों की आपको खरीदारी करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जी हाँ, धनतेरस के दिन कुछ अचूक से और कुछ अजीब सी चीजें घर लाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर धनतेरस के टोटके कौन से हैं, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और आपको ये बताते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदने से आपको धन लाभ होगा और क्या ना, और क्या आपके घर में हो तो आपको धन की हानि भी हो सकती है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे बरकरार रह सकती है। पहली चीज है धनिया। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना चाहिए, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जी हाँ, साबुत धनिया के पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आप धनिया से करें और इसको वहीं रहने दें दिवाली तक, और दिवाली के अगले दिन आप इसे किसी गमले में ले जा करके छिड़क दें। इसे पूरे साल अपने घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहेगी। दूसरी चीज है कि यदि धनिया आपका अच्छे ढंग से उग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर पर लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी है। लेकिन अगर वो मर गया है या फिर अच्छे ढंग से नहीं उपजा है, वो नहीं उपाया है, तो समझ लीजिए आपके घर पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है और वह रूठ चुकी है। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, तो दूसरी चीज है भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति। कई लोग या तो दिवाली के दिन या फिर उससे पहले ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए? यह बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने से घर में साल भर पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है, और इसके अलावा आपके घर से सभी प्रकार की मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अब जो तीसरी चीज हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही रोचक है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी जरूर करें। दोस्तों तीसरी चीज है आभूषण। जी हाँ दोस्तों, आभूषण खरीदने से घर में सुख शांति बनी रहती है और इसके अलावा घर परिवार में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आती है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना या चांदी से बड़ा कोई भी चीज जरूर खरीद सकते हैं, ताकि पूरे साल आप पर कोई भी मुसीबत ना आए। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप हो सके तो आप चांदी, तांबा, पीतल या अन्य कोई धातु खरीदें, लेकिन सोने को ना खरीदें, यह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लेकिन अगर आप सोना खरीदना ही चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको चांदी ज्यादा फल देगी। दोस्तों चौथी चीज है शंख। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन शंख खरीदने और दिवाली के दिन उसकी पूजा करने से माता लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से आपके घर में आने वाली सभी मुसीबतें आसानी से टल जाती हैं और हमेशा ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, वाहन सुख आदि कभी भी आपके लिए कभी कम नहीं होता। कर्जे आदि की आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होती है। आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। पांचवी चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य चीज है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने और दिवाली के दिन झाड़ू सफाई करें, इससे माता लक्ष्मी काफी खुश हो जाती है। इसके लिए आपको बस यह करना होगा कि जिस दिन दिवाली हो या धनतेरस हो, उस दिन कोई आप बाहर का आदमी आपको ना दिखे, ताकि आपको पूरा फल आपको मिल जाए। उस दिन आपको यह धनतेरस वाले दिन आपको ये झाड़ू खरीद कर लेकर आनी है और इसको अपने घर में कहीं छुपा करके रख देना है, लेकिन साफ सुथरे स्थान पर आपको इसे छुपा करके रख देना है। और आपको दिवाली के दिन सुबह जब सूरज निकल जाए तब आपको इससे अपने घर की सफाई करनी है। ध्यान रहे कि आप शाम के समय इस झाड़ू से सफाई नहीं करेंगे। और दोस्तों आप ध्यान रहे कि आपके घर में उस वक्त बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, इससे आपके आपको पूरा फल प्राप्त होगा और लक्ष्मी जी की कृपा विशेष प्राप्त होगी। और दोस्तों आखिरी चीज है नमक। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक खरीदने से और दीपावली के दिन इसका इस्तेमाल करने से पूरे साल धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। जी हाँ, इस धनतेरस पर आप अपने घर नमक का नया पैकेट अवश्य लेकर आए। नमक आप कोई सा भी लेकर आ सकते हैं,
लेकिन आप जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दमे ज्यादा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जय बजरंग।